हाय, आई एम ससरंजन कुमार फ्रॉम पटना एनएसआईटी। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी सिंपल अर्थ इसका हुआ पॉइंट का छाया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था क्वाड्रेंट, उसी पे हम आज पढ़ाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को समझने के लिए कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, वही रूल्स नियम हम आज आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके लिए तो कुछ रूल्स या नियम होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलता है कि अबव एचपी एंड इन फ्रंट वीपी, मतलब इसका मतलब हुआ सपोज दैट, मान के चलिए हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, क्लियर ना, एक क्वाड्रेंट है वीपी, देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग वीपी एचपी, पूरा एचपी हो गया और ये आपका वीपी हो गया। इस केस में बोलता है कि अबव एचपी एंड इन फ्रंट वीपी, ध्यान से देखेंगे अबव एचपी इन फ्रंट वीपी, थोड़ा इस पे आएंगे ध्यान देंगे। सपोज इट, मान के चलिए हमारे पास एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बोलता है कि अबव एचपी, तो एचपी मेरा यही ना हुआ, एचपी अबव एचपी हो गया, और उसके बाद क्या बोलता है इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो इन फ्रंट वीपी के सामने आपका हो गया। तो इस केस को हम समझेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमेशा ये आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। केस नंबर वन, अबव एचपी इन फ्रंट वीपी, तो मेरा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर ना। यानी कि जब हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम से हम आपको बताएंगे, तो यदि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो आपको भी यहां पर समझ में आएगी कि एचपी के ऊपर रखा हुआ है, क्लियर ना, एचपी के ऊपर रखा हुआ है और वीपी के सामने रखा हुआ है, क्लियर ना। यानी कि ए हो गया अबव हो गया और ए हो गया आपका इन फ्रंट, तो हमें समझना चाहिए कि ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम इस केस को बोलेंगे अबव एचपी, यानी कि एचपी के ऊपर है और वीपी के पीछे है, बिहाइंड वीपी अबव एचपी, क्लियर ना। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट यहां रखा रहेगा तो वीपी के पीछे हो गया, बिहाइंड हो गया, क्लियर ना, और ये हो गया अबव एचपी, क्लियर ना। तो हमें समझना चाहिए ए ऑब्जेक्ट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या करता है, बिलो एचपी, एचपी पूरा हो गया, ये एचपी पूरा हो गया, ये बिलो एचपी, क्लियर ना। यानी कि ऑब्जेक्ट ए जो मेरा है यहां रखा हुआ, यानी कि यहां रखा हुआ है, देख लीजिए बिलो एचपी हो गया, बिलो एचपी, और क्या बोलता है बिहाइंड वीपी, ये पूरा वीपी हो गया, वीपी के पीछे, बिहाइंड वीपी, क्लियर। तो हमें समझना होगा कि ये ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या बोलता है, बिलो एचपी एंड इन फ्रंट वीपी, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोलता है, बिलो एचपी इन फ्रंट वीपी, एचपी बिलो एचपी हो गया और वीपी के सामने, क्लियर ना। यानी कि यदि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो बिलो एचपी, बिलो एचपी और इन फ्रंट
इन फ्रंट बीपी, तो हमें समझ में आएगी ए ऑब्जेक्ट फोर्थ पॉइंट में रखा हुआ है। ये चारों रूल नियम जब तक आपको याद रहेंगे तभी आपको पॉइंट समझ में आएगी। विशेष अब हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट में, इसलिए कि अभी से हम जितना भी आपको डायग्राम पढ़ाएंगे, जितना भी आपको बनाएंगे, हम आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बनाएंगे और बताएंगे। यानी कि सिंपल बात, इंडिया में जितने भी वर्क होते हैं सिविलियन, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेंगे और एक बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।